सीताराम सभी अपने व्यूवर्स को और सादर आमंत्रित करते हैं बागेश्वर धाम में। और हम आ चुके हैं जो हमारे गुरुजी महाराज हैं उनका जो जीवन बीता है, जहां पुराना निवास स्थान है वो आज भी यहां का दिखा रहे हैं। और हमारे पितातुल्य बुजुर्ग इनसे कुछ जानकारी हम लेंगे, गुरु जी के बारे में कुछ बताएंगे। सीताराम बाबा जी, जय सीताराम बाबा जी, आप उनका तो बता दीजिए, गुरु जी महाराज जो है वो यहाँ पे कैसे क्या जीवन बिताए हैं, कैसे? वो देखो जी, ऐसा है कि आप गांव से मांग के लाते थे तो जब उनके मानो भोजन होते थे हैं, और कभी ज्यादा मांग मांग के इधर आ जाओ, तो सभी लोग मानो दक्षिणा उनको देते थे, उनके बब्बा बहू रहते थे धाम पे हैं, तो सभी लोग मानो बब्बा बहू को देखो भगवान ने ऐसी ऐसी बात कही थी। देखो आज दूसरे लोग दुनिया में हैं, लाखों गांव के आदमी आ रहा चावल वगैरह आटा दाल चावल सब वहाँ दिया थे गुरुजी के पिताजी, गुरुजी के पिताजी को, उनके बाबा बाबा को, बाबा जंगल सन्यासी ले हैं, जो सन्यासी बाबा है वो बाबा जी है गुरुजी के। हाँ, वो उनके बाबा है। अच्छा। उनका नाम तो सेतू महाराज, सेतू सेतू महाराज, सेतू महाराज जी। हाँ, सेतू महाराज जी, तो वो उनको मानो सब उनके पावन पूजा पाव जो गुरु जी है उनके पाँव दबाते रहते थे। हाँ। और उनके सेतू महाराज के पिताजी का नाम था अरे बंटी गर्ग, बंटी गर्ग, बंटी गर्ग, ये गर्ग महाराज है, गर्ग महाराज। हाँ, तो वो सभी उनको मानो गांव के मांग कर सभी भोजन करती थी, मांग कर जो है गुरु महाराज मतलब मांग कर दक्षिणा में जो पाते थे उसी से भोजन करते थे, वो उसी के भोजन गांव से मांग ले जाते थे, तब उनके भोजन होते। बहुत हालत खराब आती थी, शुरू में बहुत ही हालत खराब थी एकदम। हाँ, तो इससे मानो वे सभी गांव को पालन पोषण करते थे। अच्छा, गुरु महाराज पे जो है बालाजी की कृपा कैसे हुई? हाँ, जैसे आपके हमारी तुम्हारी शादी है। हाँ। जब गुरु जी आते थे तभी मानो शादी के मानो लगन है और कुछ है तब वही करते थे, तभी मानो गांव में वही जाते हैं। जब पूजा पाठ जो करते थे शादी विवाह गुरु जी कराते थे, गुरु जी करते थे, और बात सब ठीक है। और गुरु जी का जो है। हाँ। बालाजी की कृपा कैसे हुई गुरु जी पर? हाँ, वे उनके पहले पहले बाबा कहते थे। हाँ। अब गुरु जी करने लग गए। अच्छा अच्छा हाँ, अब वो सन्यासी पा गए बाबा जी, तो अब तो अपने धाम पे बैठ रहे हैं, इससे मानो सब गुरु जी को करना पड़ता है। ठीक है, बालाजी की कृपा जो गुरु जी पे वही कहते हैं। है। हाँ, वही उनके चरण तारे देखते वही सब काम करते हैं। अच्छा गुरु जी। मित्रों, देखा आपने कि किस तरीके से गुरु जी ने परिश्रम किया और कैसे अपना जीवन बिताया, किस तरीके से संघर्ष किया और कैसे कैसे अपना जीवन काटा। बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी जिससे वो भिक्षा के रूप में लेकर अपना जीवन यापन करते थे। और आज बालाजी की कृपा दृष्टि ऐसी हुई कि लोग देश से नहीं विदेशों से आते हैं सिर्फ क्या अपना आशीर्वाद गुरु जी से जो है लेने के लिए, गुरु जी का आशीर्वाद अपने सर पर रखवाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना जिससे सभी लोग बागेश्वर धाम से जुड़ सकें और अपनी जो है समस्या का हल पा सकें। और चलते हैं आगे और आगे भी दर्शन कराएंगे। और जो आज नया घर बन चुका है गुरु जी का, और वहाँ पे तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, परमिशन बंद है, वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है, और इसलिए वहाँ का तो व्यू नहीं दिखा रहे हैं। और
और जब भी आना आप, माता जी के दर्शन जो है नए मकान पर ही होंगे, और गुरु महाराज जो है मकान पर तो रोज नहीं मिल पाते हैं, बाकी धाम पर मिलते हैं।